गेट अकेडमी देखते हैं, गेट 2019 का मॉर्निंग सेशन का प्रॉब्लम देखें जो कि वाइब्रेशन से होगा। देखते हैं यहाँ पे दो सिस्टम दिया हुआ, पहले वाले सिस्टम में आपके पास दो स्प्रिंग लगा है कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टेड है, साथ ही साथ उससे मास अटैच है, मास एम दिया हुआ है, दोनों जो है सीरीज में दिया हुआ है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के और के यहाँ पे दिया, स्टिफनेस के दिया दोनों का। यहाँ पे देखिए ये भी दो स्प्रिंग है, दोनों के स्टिफनेस सेम है, के और के है, बट दोनों यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है, साथ में सेम मास यहाँ पे एम लगा हुआ है। यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यहाँ बता रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड सिस्टम बता रहा है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 बताना है आपको, चार ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सिंस आई नो, अगर यहाँ बात करूंगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा ओमेगा एन की बात करूंगा अंडर रूट के बाई एम होता है, जहां पे के आपको के इक्विवेलेंट लेना पड़ता है उस सिस्टम का। तो पहले वाले सिस्टम में देखिए जो कि सीरीज में है, अगर मैं पहले वाले सिस्टम की बात करूंगा तो ये सिस्टम आपका सीरीज में है, और सीरीज में होने के कारण इसका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ के, तो आ जाएगा आपका 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1 बाई के आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आ जाएगा, तो के इक्विवेलेंट विल बी 2 बाई के, तो आ जाएगा यहाँ पे के बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे वाले के लिए अगर मैं बात करूंगा, दूसरे वाले के लिए बात करूंगा के इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है पैरेलल में आपको दिया हुआ है, और पैरेलल में होने के कारण इसका जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसका जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा के प्लस के दैट इज इक्वल टू 2 के, डायरेक्टली ऐड करके आ गया पैरेलल में, तो ये आ गया आपका के प्लस के दैट इज इक्वल टू 2 के आ गया यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं देखना चाहता हूँ ओमेगा एन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज के इक्विवेलेंट बाई एम, दोनों का मास तो सेम है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओनली के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सो व्हाट इज ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 लूंगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के इक्विवेलेंट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, के इक्विवेलेंट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट ऑफ द सेकंड सिस्टम, दोनों का के इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के इक्विवेलेंट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, व्हाट इज द के इक्विवेलेंट फर्स्ट सिस्टम का कितना बताना है, के बाई 2 है आपका राइट, और सेकंड वाले सिस्टम का के इक्विवेलेंट जो है वो 2k है, तो यहाँ पे लगा लोगे 2k, तो के से के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4 अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू जाएगा सॉल्व करके 1/4 का रूट आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का जो वैल्यू आ गया वो आपके पास 1/2 आ गया है। तो अब देखेंगे चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 1/2 इज द करेक्ट वैल्यू, 1/2 क्या होगा इसका करेक्ट वैल्यू हो जाएगा। सिर्फ यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, दोनों का रेशियो पूछा था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, आराम से इसको बना सकते थे।